बिहार में नीतीश कुमार ने सोचा होगा कि वो बड़ी आसानी से एक पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का साथ चुन लेंगे, लेकिन राजनीति के ऐसे मझे हुए खिलाड़ी से ऐसी उम्मीद थी नहीं। खैर, जो किया वो नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से किया, जो बोया है वही तो अब काटेंगे भी। बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का साथ पकड़ा, खुद सीएम बने, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया गया और उनके भाई तेज प्रताप यादव को साथ लेकर कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया गया। उसके बाद तो सरकार सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब शुरू हो गई है बगावत जेडीयू विधायकों की अपनी ही पार्टी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ। मंत्री न बनाए जाने से है बेहद नाराज, तो अब क्या करेंगे नीतीश साहब। इन विधायकों के पार्टी से नाराजगी का पता तब चला जब ये पांच विधायक नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। ये विधायक मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं, जबकि सीएम नीतीश कुमार को 24 अगस्त को बहुमत साबित करना है। ऐसे में विधायकों की नाराजगी उनकी परेशानी बढ़ा सकती है। पार्टी से नाराज विधायकों में परबट्टा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, रुन्नी सैदपुरा विधायक पंकज कुमार मिश्रा, बरबीघा विधायक सुदर्शन कुमार, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह और केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा शामिल हैं। संयोग से ये सभी विधायक भूमिहार जाति के हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने पर जब शालिनी मिश्रा से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो अपनी सास के इलाज के लिए फिलहाल दिल्ली में है। सवाल तो विधायक डॉक्टर संजीव कुमार की पोस्ट से उठ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकी तीन विधायकों के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा है, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इसी से इन विधायकों की नाराजगी झलक रही है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह से इन विधायकों को नाराज बताया जा रहा है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं, जो नाराज होकर महाराष्ट्र चले गए हैं। अब ऐसे में इन नेताओं को कैसे मनाया जाएगा, ये नीतीश कुमार के लिए काफी बड़ा टास्क होने वाला है। मंगलवार को ही बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ है। महागठबंधन के 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री पद आरजेडी के खाते में गए हैं। आरजेडी के कोटे से 16 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। वहीं जेडीयू के 11 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के 2, हम का 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। नाराज विधायकों को भी कहीं न कहीं मंत्री बनाए जाने की उम्मीद रही होगी, जो पूरी नहीं हो सकी और फिर सामने आई जेडीयू की अंतर्कलह। लगता नहीं कि बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ जाकर नीतीश कुमार इस कलह को शांत कर पाएंगे। वहीं नीतीश ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ा है तब से बीजेपी में भी हलचल तेज हो गई है। बिहार में नई रणनीति से काम करने और नए गठबंधन को घेरने के लिए दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इस दौरान मीटिंग में बिहार बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। आपको बता दें, बिहार में कोई छोटी पार्टी नहीं रह गई है बीजेपी, बल्कि बीजेपी की परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर की थी। सबसे अच्छी आरजेडी की सीटें आई थी, फिर बीजेपी और नीतीश की जेडीयू को तो मात्र 43 सीटें से ही संतोष करना पड़ा था। उसके बाद भी कभी बीजेपी का साथ पकड़कर तो कभी आरजेडी का साथ लेकर मुखिया की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही है विराजमान। हालांकि अब ये उनकी कुर्सी कितने दिन तक बनी रहती है वो देखने वाली बात होगी। वैसे बिहार में ये जो नया महागठबंधन हुआ है और इस तरह से महागठबंधन के बाद के हालात हैं, आपको क्या लगता है, क्या लंबी चल पाएगी बिहार में ये महागठबंधन वाली सरकार, या फिर महाराष्ट्र की तरह इस सरकार का भी होगा बेड़ा पार? इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।